दोस्तों, सोना, चांदी, हीरे, जेवरात हमेशा से हम भारतीयों की आन बान शान रही है और इन्हीं सब जेवरात को सबसे ज्यादा भारत में ही पसंद किया जाता है, क्योंकि जब भी किसी भी घर में शादी वगैरह होती है तब लोग शौक से सोना खरीदते और पहनते भी हैं। और जब बात सोना खरीदने की आती है तब हम सब सोचते हैं कि आखिर सोना खरीदा कहाँ से जाए, क्योंकि इस बिजनेस में कई ज्वेलर्स गड़बड़ घोटाला भी करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए भरोसे से तो लोगों के मन में सबसे पहले तनिष्क ब्रांड ही आता है। बड़े बड़े शोरूम में क्लास और रॉयल्टी से सजे इनके गहने एक ही नज़र में लोगों के ऊपर ऐसा जादू चलाते हैं कि लोग इन्हें खरीदने से पीछे नहीं रहते। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि तनिष्क के गहने इतने महंगे क्यों होते हैं? और वहीं आम ज्वेलर्स को देखें तो उनके पास आपको ठीक ठाक रेट में गहने मिल जाते हैं। सोना तो एक ही होता है, पर ये अचानक से तनिष्क में महंगे कैसे हो जाते हैं? क्या इनमें सिर्फ ब्रांड का ही फर्क है या जेवर के नाम पे तनिष्क की ये सीधी सादी लूट है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जब भी भारत में नंबर वन ज्वेलरी ब्रांड की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तनिष्क का ही नाम आता है। और भला आए भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत का पहला ज्वेलरी ब्रांड होने के बावजूद भी इसकी रॉयल्टी, प्रीमियम क्वालिटी और स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब बात करें इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी ने जब 1994 में इस ब्रांड को लॉन्च किया था, और तब ये ब्रांड किसी प्लांड वे में लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि जुगाड़ से लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये इनकी मजबूरी थी। उस समय भारत के पास डॉलर की कमी आ गई थी, इस वजह से अब टाइटन को डॉलर चाहिए थे घड़ी के पार्ट्स के लिए, और वो थे नहीं इनके पास। इसीलिए इस तनिष्क ब्रांड को लॉन्च किया गया, और ये वेस्टर्न कंट्री में सेल करते थे 18 कैरेट के गोल्ड को, ताकि अच्छी डिजाइन बन पाए। अब कुछ टाइम बाद इन्होंने इंडिया में से लॉन्च किया, लेकिन भारत में 18 कैरेट कोई लेता नहीं था। अब ये 22 कैरेट के साथ मार्केट में आए, और तब से ही इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि टाइटन कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा अब इसी तनिष्क ब्रांड से आता है। दोस्तों, आपने अगर 1999 में इसका एक शेयर भी खरीदा होता जो कि तब 1 लाख रुपए का था, लेकिन वहीं आज के समय में इसके एक शेयर की कीमत बढ़कर 6 करोड़ रुपए पहुँच चुकी है। यानी इस कंपनी ने दिया है 60,000% का रिटर्न। 28 सालों में एक भारी मुनाफा कमाने के साथ तनिष्क ने एक बड़ा कस्टमर बेस बनाया है, जो हाथ की अंगूठी से लेकर लाखों के हार की खरीदारी भी अब लोग इसी ब्रांड से करना पसंद करते हैं। कमाल है ना, जहां एक तरफ लोग सस्ते माल की तरफ सबसे पहले भागते हैं, वहीं बात जब सोने, चांदी और गहनों की आती है तो लोगों की पसंद मोटे पैसा ऐठने वाले तनिष्क पर ही रुक जाती है। नो डाउट, महंगे शोरूम वाले इस ब्रांड में क्लास है, लेकिन क्या इसके गहनों में सारा पैसा क्लास और स्टैंडर्ड का होता है? आखिर ये ब्रांड सालों से ऐसा क्या खास बेच रहा है जो उसके दाम बाजार में मौजूद कई नामी ग्रामी ज्वेलर्स से ज्यादा है? अब इसका जवाब तनिष्क के मेकिंग चार्जेस, यूनिक डिजाइंस, ऑथेंटिक डायमंड्स और गोल्ड के 100% प्योर होने की गारंटी छिपा है। दरअसल गहने तो आपको आम ज्वेलर्स भी बेच देते हैं, लेकिन उसके 100% प्योर होने की गारंटी नहीं होती। यहाँ तक कि कई बार आम ज्वेलर्स भी हॉलमार्क लगे गहनों में भी हेरा फेरी करने से पीछे नहीं रहते, लेकिन वहीं तनिष्क से खरीदी छोटी इयररिंग तक भी अपनी प्योरिटी की गवाही देती है। 28 सालों में इनके सोने, चांदी और हीरो में मिलावट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ब्रांड होने के साथ साथ तनिष्क की खासियत है कि अपने ग्राहकों को ऑथेंटिक और यूनिक डिजाइन बेचने का दावा करता है। फिर बात चाहे जोधा अकबर और पद्मावत जैसी भारी भरकम नेकलेस की हो, या प्रोफेशनल स्टाइल डायमंड ब्रेसलेट की, इनके पास हर कैटेगरी में वैरायटीज की भरमार होती है। लेकिन इनके गहने असल में इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि उनका मेकिंग चार्ज काफी ज्यादा होता है। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि सोने चांदी का दाम देश भर के हर कोने के लिए एक जैसा होता है। ऐसे में सभी ज्वेलरी ब्रांड्स में सोने की कीमत एक जैसी होती है, फर्क होता है तो केवल मेकिंग चार्जेस का। तनिष्क की यूएसपी है कि ये अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिक और यूनिक डिजाइन परोसने के साथ साथ उनसे हाई मेकिंग चार्जेस बटोरता है। दरअसल किसी भी गहने का मेकिंग चार्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और हैंड मेकिंग का कितना कॉस्ट आता है। ऐसे में टॉप नोच मशीनरी के साथ तनिष्क अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता है, और इसी जद्दोजहद में उसके दाम बाकी नामी ग्रामी ज्वेलरी ब्रांड्स के मुकाबले कई ज्यादा होते हैं।
लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इतने हाई चार्जेस के बाद भी इस ब्रांड से गहने खरीदने वाली आवाम की कोई कमी नहीं है। चाहे सोने के दामों में भारी बढ़ोतरी ही क्यों ना हो, फिर भी कस्टमर्स इसी ब्रांड को गहने बनाने और खरीदने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों कई हजार करोड़ की नेटवर्थ के साथ ये ब्रांड ज्वेलरी के मार्केट को डोमिनेट करता है? अब अगर अतीत में झांक कर देखें तो पता चलता है कि इस ब्रांड ने कस्टमर्स को अपने दरवाजे तक खींच लाने के लिए कई अनोखी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है। शुरुआती दौर के 5 सालों में इस ब्रांड ने भयंकर घाटा झेला है। तब ऐसी कंडीशन तक आ गई थी कि इसको बेचने तक की नौबत आ गई, यानी इसको बंद करना पड़ेगा। और बाद में इसने ऐसा क्या कर दिया कि पिछले साल इसकी सेल 23,268 रुपए की थी। और ये ऐसा क्या करते हैं जो हर साल 12,000 नई डिजाइन जनरेट करते हैं? अब देखते हैं 5 सालों के बाद यानी 1999 में इन्होंने ऐसी कौन सी स्कीम लेकर आए जिससे इनकी किस्मत ही पलट गई। अब लोग तो सोना अपने पुराने सुनार से ही खरीदते थे क्योंकि उन पर लोगों का भरोसा था। तो अब इन्होंने सबसे पहले ये कैरेटोमीटर वाली मशीन लेके आए और लोगों से बोले कि आप फ्री में अपने सोने की शुद्धता को चेक करवा सकते हैं। और जब लोगों ने ऐसा किया तो 60% से भी ज्यादा केसेस ऐसे आए जिनकी सोने की शुद्धता में घोटाला था, लेकिन फिर भी लोग तनिष्क की तरफ ना आए। अब इसके बाद तनिष्क 1922 की स्कीम लेके आया। इसमें क्या था कि अगर आपका सोना 16 से 18 कैरेट का निकला तो कुछ नहीं, और अगर 19 कैरेट का है तो आप तनिष्क से 22 कैरेट का सोना ले जाएं, बस आपको केवल मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। इससे हुआ ये कि तनिष्क के शोरूम में अब भीड़ लगने लगी। शुरुआत में तो इन्होंने 3 कैरेट का लॉस झेला और इसके बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अब तनिष्क ने अपने ब्रांड को एक्सपांड करने के लिए और स्कीम लेके आया। इसमें अगर आप 1,20,000 की चेन खरीदते हैं और अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप 10,000 रुपए 11 महीने तक दे सकते हैं और 12वें महीने की किस्त तनिष्क भरेगा। भाई ऐसी स्कीम तो सिर्फ टाटा सर ही ला सकते हैं। अब इसके बाद तनिष्क ने एक मियां कलेक्शन नाम करके ब्रांड लॉन्च किया। इसमें उन लोगों पर फोकस किया गया जो कि वर्किंग वुमेन है। अब वर्किंग वुमेन 5 से 6 लाख के गहने पहन करके तो घर का काम और ऑफिस का काम करने नहीं जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये एक ऐसी ज्वेलरी लाई जो लाइट वेट होने के साथ साथ गुड लुकिंग भी हो और साथ ही साथ सस्ती भी हो। तो इस कैटेगरी में 3,500 से इन गहनों की कीमत शुरू होती है। और साथ ही साथ इन्होंने ऐसे कस्टमर पर भी फोकस किया जो प्रीमियम ब्रांड चाहते थे। तो उसके लिए तनिष्क ने जोया कलेक्शन नाम का ब्रांड लॉन्च किया। इसकी स्टार्टिंग रेंज 75,000 रुपए रखी गई। अब ऐसे में इस ब्रांड ने सभी क्लास के लोगों को अपना कस्टमर बना लिया। अब अगर देखा जाए तो शादी के लिए ही भारत में ही सोने की 50% से ज्यादा सेल शादी की वजह से होती है। तो इसके लिए इन्होंने रीवा कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें इन्होंने 13 अलग अलग कल्चर के लिए गहने डिजाइन किए, यानी गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, ETC अलग अलग कल्चर के लिए कलेक्शन लॉन्च किए। इससे लोगों का तनिष्क की तरफ झुकाव ज्यादा होता गया। इस स्कीम से तनिष्क को ऐसा भी फायदा पहुंचा कि इस ब्रांड ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ ग्राहक और तनिष्क पर भरोसा मजबूत हो गया और लोग इस बात की गारंटी लेने लगे कि तनिष्क भले ही महंगा हो लेकिन वो सोने में मिलावट खोरी जैसी हरकतें नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि भारत में सोना केवल एक गहना ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक एसेट भी है। पूंजी के तौर पर लोग सोने में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट में मिलावट खोरी हो तो ये धोखाबाजी ग्राहक को ज्वेलर बदलने पर मजबूर कर देती है। तनिष्क की शानदार स्ट्रेटजी है कि वो ट्रस्ट के साथ साथ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखता है। डिजाइन से लेकर शोरूम पर आने वाले कस्टमर्स की आवभगत में ये कोई भी कमी नहीं लाता और इसीलिए रतन टाटा का ये ब्रांड बिना लॉसेस के भी सालों से हाई रेवेन्यू कमाता आ रहा है। भारत के 200 सिटीज में इनके 350 स्टोर्स हैं और अब ये ब्रांड एलीट क्लास ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोगों का भी सच्चा साथी कहलाता है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तनिष्क की दशकों से चली आ रही सफलता की कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और एक खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।